गंगा तेरा पानी अमृत झर झर बहता जाए, युगों युगों से देश की माटी तेरा ही गुणगाए। गंगा तेरा पानी अमृत झर झर बहता जाए, युगों युगों से देश की माटी तेरा ही गुणगाए। गंगा तेरा पानी अमृत। देखिए वृंदावन के वृक्ष को और मर्म न जाने को, वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने को, डाल डाल हर बात पर श्री राधे राधे ओ, डाल डाल और पात पे श्री राधे राधे हो। तब कहा पगले हमारे वीरेंद्र भैया के लिए जोरदार तालियां बजा करके सम्मान दें। क्या बात है। कहा पगले, अरे पगले इस रज की तुझसे नहीं हुई पहचान, अरे पगले इस रज की तुझसे नहीं हुई पहचान, इस ब्रज रज में लेट लेट कर, इस ब्रज रज में लेट लेट कर हो जाता कल्याण। पगले इस रज रज की तुझे नहीं हुई पहचान, इस ब्रज रज में लेट लेट के हो जाता कल्याण। पगले इस ब्रज रज की तुझे नहीं हुई पहचान, ब्रज रज में लेट लेट के हो जाता कल्याण। पगले हाँ जी। और ये 200 रुपए का पुरस्कार दादाजी की तरफ से। ये 201 रुपए का पुरस्कार श्री ज्योति प्रसाद शर्मा जी की तरफ से आया। एक बार जोरदार तालियां बजाकर के आप अभिनंदन करें। और ये 51 रुपए मेरे बड़े भाई रामवीर जी की तरफ से। एक बार जोरदार तालियां बजा करके आप सम्मान दें। बड़े ध्यान से सुनना। अरे पगले इस रज की तुझसे नहीं हुई पहचान, इस ब्रज रज में लेट लेट कर, इस ब्रज रज में लेट लेट कर हो जाता कल्याण। पगले इस रज की तुझसे नहीं हुई पहचान, इस ब्रज रज में लेट लेट के हो जाता कल्याण। पगले इस रज की तुझसे। और ये हमारे गुरुदेव ओपी वर्मा जी उनकी तरफ से हम बच्चों के लिए ये 51 रुपए और 200 रुपए का पुरस्कार। आदरणीय सुनहरी लाल प्रधान जी की ओर से ये 200 रुपए का आशीर्वाद है। तालियां बजा करके दोनों महान बाबा को अभिनंदन। जोरदार तालियां। और मेरा निवेदन है जो भैया खड़े हुए हैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, आप लोग बैठ लीजिए। इतनी अच्छी व्यवस्था है और इतना बढ़िया कार्यक्रम आप लोगों के लिए रखा गया है, तो मैं निवेदन कर रहा हूं जो हमारे नौजवान साथी खड़े हुए हैं वो आकर के बैठ जाएं। आप सभी लोग बैठ जाएं, ये निवेदन है सभी लोग। अब देखिए रज की महिमा सुनिए। गौतम ऋषि के श्राप के कारण, गौतम ऋषि के श्राप के कारण हुई समस्या भारी, गौतम ऋषि के श्राप के कारण हुई समस्या भारी। देखिए एक बार और फिर कहा जा रहा है जो भी महानुभाव हमारे खड़े हुए हैं ससम्मान उनके लिए बैठने की व्यवस्था है, आप सभी लोग बैठ जाएं। और जो भी
कलाकार बंधु या अखाड़ों के उस्ताद गरीबा जो भी पधारे हुए सभी का अभिनंदन है। माननीय हरीश पंडित जी के द्वारा इस कार्यक्रम में रसिया कीर्तन से जुड़े हुए जितने भी कलाकार यहाँ पर हैं सभी का अभिनंदन है। सभी अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें और एक बार जोरदार तालियां बजा के सभी का अभिनंदन। हाँ बेटा, गौतम ऋषि के श्राप के कारण हुई समस्या भारी, अरे पत्थर बन गई नारी अहिल्या तब पहुंचे धनुधारी। पत्थर बन गई नारी अहिल्या तब पहुंचे पगधारी। पत्थर बन गई नारी अहिल्या तब पहुंचे पगधारी। अरे राम चरण की रज लगते ही, राम चरण की रज लगते ही स्वर्ग चढ़ी चट्टान। तब कहा पगले इस रज की तुझसे नहीं हुई पहचान, इस ब्रज रज में लेट लेट कर हो जाता कल्याण। पगले इस रज की तुझसे नहीं हुई पहचान, इस ब्रज रज में लेट लेट के हो जाता कल्याण। पगले की तुझसे नहीं हुई पहचान। और देखिए, हाँ जी, कमेटी में जितने भी सदस्य बैठे हुए हैं, पंडित जी, श्री कृष्ण बोले राधा से, श्री कृष्ण बोले राधा से, मेरा दर्द भगा दो, अपने चरणों की रज मस्तक पे मेरे आज लगा दो। और ये 51 रुपए हमारे बड़े भाई बन्नो शर्मा जी जो के रामादल अखाड़े से, एक बार उनकी तरफ से 51 रुपए आए, एक बार जोरदार तालियां बजा करके आप सम्मान दें। अरे श्री कृष्ण बोले राधा से मेरा दर्द भगा दो, अपने चरणों की रज मस्तक पे मेरे आज लगा दो। अपने चरणों की रज बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। हो राधा ने रज लगा पैर की, लौटा दी मुस्कान। पगले इस रज की तुझसे नहीं हुई पहचान, इस ब्रज रज में लेट लेट के हो जाता कल्याण। पगले इस रज की तुझसे नहीं हुई पहचान। और देखिए ये 1 से 1 रुपए का पुरस्कार भैया जी की तरफ से और 51 रुपए पीछे से भैया ने दिए बार बार आशीर्वाद की कामना। अब सुने, वनवास होने के बाद भगवान श्री राम को जब वनवास हुआ तो माँ सीता और भैया लखन भी साथ साथ सरयू किनारे पहुंचे तो कहने लगे केवल शरण धुला लो अपने भगवान, शरण धुला लो अपने भगवान। याद है मुझे कहानी और रज की शक्ति झेल न पावे नैया मेरी पुरानी। रज की शक्ति झेल न पावे नैया मेरी पुरानी। रज की शक्ति झेल न पावे नैया मेरी पुरानी। इस रज में ही मौत छिपी, इस रज की तुझसे नहीं हुई पहचान, इस ब्रज रज में लेट लेट के हो जाता कल्याण। पगले इस रज की तुझसे नहीं हुई पहचान, इस ब्रज रज में लेट लेट के हो जाता कल्याण। पगले
जी वीरेंद्र भैया करती ना कुर्बान कभी रत, करती ना कुर्बान कभी रत, सदा मोक्ष देती है। करती ना कुर्बान कभी रज, सदा मोक्ष देती है। ये तो अंतिम समय पे अपनी गोदी में लेती है। ये तो अंतिम समय पे अपनी गोदी में लेती है। ये तो अंतिम समय पे अपनी गोदी में लेती है। विवश आज क्यों होता बंदे, विवश आज क्यों होता बंदे, पढ़ ले वेद पुराण। बहुत सुंदर। हो विवश आज क्यों होता बंदे, पढ़ ले वेद पुराण। पगले इस रज की तुझसे नहीं हुई पहचान, इस ब्रज रज में लेट लेट के कर जाता इंसान। पगले इस रज की तुझसे नहीं हुई पहचान। सरकार की जय।